बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही, इनफैक्ट बिग बॉस के सीजन की विनर रही ये कंटेस्टेंट ने हाल ही में ये डिक्लेयर कर लिया है कि रोहित शेट्टी की अपकमिंग मूवी में नजर आने वाली है इस लीड रोल में। जी हाँ, इस बात का जिक्र खुद उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने सोशल अकाउंट पे एक पोस्ट के जरिए से किया है, जहाँ पे वो खुद सोशल मीडिया पे रोहित शेट्टी के साथ बैठी हुई नजर आई है और एक पोस्ट देते हुए फोटो पोस्ट किया है। आखिर कौन है वो एक्ट्रेस और कौन नजर आने वाली है रोहित शेट्टी की अपकमिंग मूवी में, आइए देखते हैं ये पूरी न्यूज। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूस, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि रोहित शेट्टी बहुत ही जल्दी एक मराठी मूवी रिलीज करने जा रहे हैं, जिसका थिएटर घरों में 14th ऑफ अप्रैल में आने वाला है इसी साल, और उस मूवी का नाम है स्कूल कॉलेज एनी लाइफ। जी हाँ, यह मराठी मूवी है, रोहित शेट्टी का पहला मराठी मूवी है जो ये प्रकाशित करने जा रहे हैं, और इसमें फर्स्ट टाइम तेजस्वी प्रकाश नजर आने वाली है, और तेजस्वी प्रकाश लीड रोल में भी नजर आ रही है इस मूवी में। और तेजस्वी प्रकाश कई बारे में पूरा आप कह सकते हैं मूवी में दिखाया जाएगा कि कैसे स्कूल से कॉलेज लाइफ और कॉलेज लाइफ से रियल जिंदगी शुरू हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 14th ऑफ अप्रैल में ये मूवी रिलीज होने वाली है, आप लोगों के नजदीकी थिएटर घरों में आप ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी प्रकाश जो कि बिग बॉस के एक सीजन की विनर रह चुकी हैं, जो कि रिसेंटली कलर्स के सबसे टॉप मोस्ट शो नागिन 6 में भी नजर आ रही हैं और लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही हैं, और लास्ट कुछ हफ्तों से नागिन ये जो शो है ये टीआरपी रेटिंग में भी सबसे आगे है। अभी ये देखना बेहद खास हो जाएगा कि नागिन का जो ये जो अवतार है तेजस्वी प्रकाश को, जो लोगों ने हर वीकेंड का इंतजार करते हैं उनके ये एपिसोड देखने के लिए, उनका ये शो देखने के लिए, इसके साथ साथ ये किस तरीके से इनके मूवी में नजर आने वाली है। मैं आपको बता दूं तेजस्वी प्रकाश का ये फर्स्ट मूवी है और इनको ऑफर देने वाले भी कोई और नहीं, रोहित शेट्टी हैं। आपको एक और क्लिप तेजस्वी प्रकाश का वायरल हो रहा था, जहाँ पे तेजस्वी प्रकाश जब बिग बॉस हाउस में थी और रोहित शेट्टी उनसे मिलने के लिए या फिर एक फिल्म प्रमोशन के लिए वीकेंड के वार में आए थे, उस दौरान थोड़ा नोकझोंक होने लगा तेजस्वी प्रकाश और रोहित शेट्टी के बीच में, क्योंकि रोहित शेट्टी हमेशा तेजस्वी का मजा लेते रहते थे, खतरों के खिलाड़ी में उनका नोकझोंक देखने को मिला था। लेकिन रोहित शेट्टी उस टाइम पे हंसी मजाक करते हुए ये कहा था कि जब भी मैं मराठी मूवी करूंगा ना, तुझे पहले मैं टेलीकास्ट करूंगा, तुझे पहले मैं रोल दूंगा, और ये बात सच किया है रोहित शेट्टी ने, उन्होंने अपनी बातों का मान रखा। और जब आज रोहित शेट्टी अपना फर्स्ट मूवी लॉन्च करने जा रहे मराठी में, तो उन्होंने तेजस्वी प्रकाश को ही इसका लीड रोल दिया है। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकता है तेजस्वी प्रकाश के लिए और तेजस्वी प्रकाश के सारे फैंस के लिए। आपको बता दूं तेजस्वी ने जब ये पोस्ट शेयर किया, उसके बाद तुरंत ही करण कुंद्रा यानी कि उनके फॉर्मर बॉयफ्रेंड ने उस बात पे कमेंट करते हुए ये भी दिखाया, जहाँ पे उन्होंने इमोजी के तौर पे नागिन का भी इमोजी डाला है, आप कह सकते हो एक गॉगल्स पहने हुए एक नॉर्मल इमोजी भी डाला और एक स्टार का इमोजी डाला, जिससे ये भी दिखाते हैं कि इनके बॉयफ्रेंड काफी प्राउड फील कर रहे तेजस्वी प्रकाश पे। अब भाई क्यों ना करें, और तेजस्वी प्रकाश मल्टीटास्किंग है ये चीज़ भी साफ तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो शो सीरियल का भी कर रही है, एक तरफ से उन्होंने फिल्म का पूरा शूटिंग भी कंप्लीट कर दिया है, और हर इवेंट में हर शो में भी वो हिस्सा लेते हुए नजर आई है। आप तेजस्वी प्रकाश के न्यू मूवी के लिए कितने हैं एक्साइटेड, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए फीफा पल्स।